गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास. हम लोग साइंस में चैप्टर 4 की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है. जैसे मैंने कल की क्लास में आपको हार्डनेस और सोल्युबल इन सोल्युबल बताया था, ठीक है. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वॉटर, ठीक है. यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी में तैरते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है. इससे पहले हम लोग एक्टिविटी 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है. दिया हुआ है कलेक्ट सैंपल ऑफ एनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. यानी कि यहाँ पे हम बोला जा रहा है कि हमें कलेक्ट करना है कुछ सैंपल्स वेनेगर के या लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और कोकोनट ऑयल कि हम कलेक्ट कर सकते हैं. कैरोसिन ऑयल भी ले सकते हैं और एनी अदर लिक्विड और भी आप अदर लिक्विड्स भी ले सकते हैं, ठीक है. टेक अ ग्लास टम्बलर, कह रहे कि यहाँ पे आपको एक ग्लास लेना है. फिल इट अब टू हाफ विद वॉटर, और इसको आधा जो है पानी से फिल कर ले रहा है. एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड ऑफ दिस एंड स्टिर इट वेल. बोल रहा है कि इसमें आपको एक स्पून ऑयल लेना है या जो भी आपने लिक्विड ले रखा है उसमें डालना है वॉटर में और उसको मिक्स करना है, यानी कि हिलाना है चम्मच से, ठीक है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स. अब हम क्या करेंगे, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वॉटर. यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिक्विड जो है क्या वॉटर के साथ मिक्स हुआ है, जैसा कि हम फिगर 4.5 में देख रहे हैं. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू. बोले कि सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है अदर लिक्विड के साथ, जो आपने अलग द्रव पदार्थ ले रखे हैं उनके साथ आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है. बारी बारी से आपको एक लिक्विड उसमें डालना है, उसके बाद उसको देखना है क्या वो इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, और आपको टेबल 4.4 में अपने ऑब्जर्वेशन को फिल करना है, ठीक है. क्योंकि सारे लिक्विड जितने आपने लिए हैं ऐसा नहीं है कि सारे वॉटर में मिक्स हो जाएंगे. कुछ ऐसे होंगे जो मिक्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है. जैसे अगर ऑयल लेते हैं हम, तो ऑयल जो होगा जैसे बेटा मस्टर्ड ऑयल हो गया या कैरोसिन ऑयल हो गया, ये वॉटर में आपका मिक्स नहीं होगा, ठीक है. वहीं पर अगर हम लेमन जूस की बात करते हैं तो लेमन जूस आपका वाटर में आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आपको लिक्विड में दिया हुआ वेनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन. उसके बाद आपको ये बताना है कि मिक्स वेल, यानी कि मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, या डज नॉट मिक्स. ये टेबल आपको खुद से फिल करनी होगी क्लास. आगे बढ़ते हम लोग. दिया हुआ है वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट्स कम्प्लीटली मिक्स विद वॉटर. यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली आपके वॉटर में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है. सम अदर डू नॉट मिक्स विद वॉटर, और कुछ ऐसे भी हैं जो वॉटर में मिक्स नहीं हो रहे हैं. एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन इट साइड फॉर सम टाइम. और क्या हो रहा है कि वहां पर वॉटर में जो लिक्विड्स है आपकी उनकी एक सेपरेट लेयर बन जा रही है. थोड़ी देर बाद जब उसको हम मिक्स करेंगे या किसी से हिलाएंगे तो वो उसे मिक्स हो जाएंगे, बट थोड़ी देर छोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे आपका ऑयल होगा वो वॉटर के ऊपर लेयर में आ जाएगा, ठीक है. उसे आसानी से हम चाहे तो अलग कर सकते हैं. इसके बाद दिया हुआ है वुड यू सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड्स अदर देन वॉटर. कह रहे कि वुड यू सजेस्ट कर रहा है कि जो हम लोगों ने चेक किया है, ठीक है, एक्टिविटी 5 में लिक्विड को वॉटर के साथ मिक्स करके कि वो मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है. तो क्या अदर वॉटर में मतलब अदर लिक्विड्स भी इस तरह से हम उसको चेक करेंगे. पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वॉटर. पहली ये जानना चाहती है कि जो गैसेस होती हैं क्या वो वॉटर में डिसॉल्व होती हैं. सम गैसेस आर सोल्युबल इन वॉटर. कह रहे कि कुछ गैसेस जो होती हैं पानी में सोल्युबल यानी कि मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, घुल जाती हैं, घुलनशील होती हैं. वेयर अस अदर आर नॉट. और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती है, ठीक है. वॉटर यूजली है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट. कह रहे कि जो पानी है वो साधारणतः कुछ
क्वांटिटीज में जो गैसेस की कुछ स्मॉल क्वांटिटीज को अपने में घोल लेता है, ठीक है, डिसॉल्व कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वॉटर. कह रहे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होती है बेटा वो वॉटर में आपकी घुली हुई होती है, घुलनशील होती है, ठीक है, ये वॉटर में घुल जाती है आसानी से. और ये अगर जब घुलती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत महत्वपूर्ण वर्क करती है उनके लिए जो एनिमल्स और प्लांट्स वॉटर में सर्वाइव करते हैं, जैसे फिश हो गया, ठीक है. आपको पता है जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, सांस के लिए. अब हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे जो मेन गैस होती है हमारी वो होती है ऑक्सीजन गैस, जो हमारी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है. तो जो आपके जो क्रिएचर्स होते हैं, जो आपके एनिमल्स या प्लांट्स वाटर में रहते हैं, ठीक है, एक्वाटिक्स होते हैं, उनके लिए भी इस गैस को बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि अगर ये वाटर में नहीं हुई होगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है. उसके बाद दिया हुआ है आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं और ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी में नहीं तैरते, सिंक यानी कि डूब जाते हैं, ठीक है. दिया हुआ है व्हाइल डूइंग एक्टिविटी फोर यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर. कह रहा है कि एक्टिविटी फोर में आपने ये पढ़ा है, नोटिस किया है कि जो इनसॉल्युबल्स आपके सॉलिड होते हैं वो हम उन्हें आसानी से वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी फाइव. कह रहा है कि आपने एक्टिविटी फाइव में ये भी नोटिस किया है कि इसी तरह से कुछ आपके लिक्विड्स भी होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जिन्हें हम आसानी से वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर. कह रहे कि कुछ ऐसे मटेरियल जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, ठीक है. अदर मे हैव सन्क टू द बॉटम ऑफ द थंडर. कह रहा कि दूसरा हम ये भी खोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डूब जाते हैं, ठीक है. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आनेंगे जो वाटर में डूबते हैं यानी कि सिंक करते हैं, ठीक है. यहाँ पे फिगर 4.6 आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें आपके 4.6 में एक आपका ग्लास है जिसमें वाटर पील है, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट उस पानी के अंदर हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नीचे बैठे हुए हैं यानी कि डूब गए, ठीक है, सिंक कर रहे हैं. फिर कह रहे हैं कि ड्राइड लीव्स फैलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पाउंड आई स्टोन दैट यू ग्रो इन टू दिस पाउंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट वेल इन टू द ग्लास ऑफ वॉटर वॉट हैपन टू ऑल ऑफ दिस. कह रहे कि आपने नोटिस किया होगा जैसे तालाब में जो पत्तियां होती है लीव्स होती है पेड़ों की, वो क्या होता है पानी के ऊपर फ्लोट करती है तैरती रहती है, ठीक है. वहीं पे आपने देखा होगा जब स्टोन होगा तो स्टोन क्या होता है पानी के नीचे तली बैठ जाता है, वो डूब जाता है, ठीक है. इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे अगर हम पानी में हनी यानी शहद को मिलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे क्या शहद उस पानी में डूब जाता है या फ्लोट करता है, ठीक है. वो जो वुड लाइक यू टू गिव हिम फाइव एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोस दैट सिंक इन वॉटर. कह रहे हैं कि गुरुजो ये जानना मतलब पसंद कर रहा है, यहाँ पे जानना चाह रहा है, देना चाह रहा है फाइव एग्जाम्पल्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट के जो पानी में डूबते हैं और पानी में तैरते हैं, ठीक है. वॉट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम सब मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल. कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स क्या जो है हम किस तरह से टेस्ट करेंगे कि जो ये मटेरियल है ये सिंक यानी कि पानी में डूब रहे हैं या पानी में आपके तैर रहे हैं, ठीक है. लिक्विड्स का भी टेस्ट हम किस प्रकार से करेंगे ऑयल का, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी ट्रांसपेरेंसी. जो ट्रांसपेरेंसी हेडिंग है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आज की क्लास का आपका होमवर्क है कि टेबल 4.4 आपको फिल करनी है और दूसरा होमवर्क ये है कि आपको 5-5 ऐसे ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं और जो वाटर में सिंक करते हैं, यानी कि आपको इस तरह से बनाना है. यहाँ पे लिखना है आपको फ्लोट इन वाटर और सिंक इन वाटर. 5-5 ऑब्जेक्ट की आपको नेम लिखने हैं, ठीक है. सब में 5-5 ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट लिखना है जो पानी में नहीं तैरते, डूब जाते हैं.
ओके क्लास।